संसद में बिल लैप्स कब होता है? ये सुर्खियां में पहले क्यों है? 16वीं लोकसभा की अंतिम सत्र स्थगित हो गई। 46 विधेयकों, जिसमें विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक और 3 तलाक पर प्रतिबंध सहित, 3 जून को वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन। अनिश्चितकाल के स्थगन का अभिप्राय संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाना है। अन्य शब्दों में, जब संसद को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाए तो अब उसे 30 दिन आहूत किया जाएगा। इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहा जाता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन करने का शक्ति सभापति के अधीन होते हैं। सदन का सभापति स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। भारतीय संसद में एक विधेयक कब समाप्त हो जाता है? लंबित विधान विषयक की स्थिति के आधार पर और जहां उसकी उत्पत्ति हुई है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें विधेयक सभा विघटन होने की स्थिति में समाप्त हो जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक, ऐसा विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो और पारित न हो पाया हो, समाप्त हो जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत और पारित विधेयक को राज्यसभा के में विचाराधीन हो, वो भी समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक, संविधान ने राज्यसभा में सांसदों के एक विधेयक पेश करने की शक्ति भी देता है। अतः एक विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो और इसके द्वारा पारित किया गया हो परंतु लोकसभा में लंबित हो, वो भी समाप्त हो जाता है। एक विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो और संशोधन के साथ लोकसभा द्वारा उस सदन में हस्तांतरित किया गया हो और लोकसभा के विघटन की तिथि पर राज्यसभा में लंबित हो, तो समाप्त हो जाता है। स्थिति जिनमें कोई विधेयक समाप्त नहीं होता। सभी विधेयक जो सभी अभी तक विधि नहीं बन पाए हैं, लोकसभा के अवधि समाप्त होने पर समाप्त नहीं होते हैं। एक विधेयक जो राज्यसभा से लंबित हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, तो समाप्त नहीं होते हैं। एक विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो परंतु भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित हो, तो समाप्त नहीं होता है। एक विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो जा चुका हो परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु हस्तांतरित किया गया हो, तो समाप्त नहीं होता है। कुछ लंबित विधेयक और सभी लंबित आश्वासनों की जांच सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति द्वारा की जाती है। लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होता है। एक संयुक्त बैठक हेतु अपवाद। उपर्युक्त अपवाद के अतिरिक्त अन्य स्थिति का, जब कोई विधेयक स्वचालित रूप से संसद के अंतिम सत्र के विघटन के साथ समाप्त नहीं होता है, यदि राष्ट्रपति विधेयक पर मतदान के लिए संयुक्त बैठक हेतु बुलाया बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति जब तक लोकसभा के विघटन के परिणाम स्वरूप विधेयक समाप्त नहीं हो जाता, विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में ऐसे संशोधनों के साथ विधेयक यदि कोई हो दोनों सदनों के उपस्थिति एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों में बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे सदनों दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। हालांकि धन विधेयक या संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जो विधेयक समाप्त हुआ उसका क्या होता है? यदि किसी विधेयक को उपयुक्त वर्णित एक के या अधिक शर्तों के आधार पर समाप्त किया जाता है, तो उसे नई लोकसभा में फिर से पारित प्रस्तुत करना होगा। वैसे ही यह संशोधन के साथ, जैसे नई सरकार को इसकी आवश्यकता हो। विकल्प या एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है, यानी कि अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी होता है। अतिरिक्त जानकारी, वर्तमान लोकसभा में समाप्त होते महत्वपूर्ण विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण विधेयक 2016, आधार एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2018, सरोगेसी
विनियम विधेयक 2016, डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियम विधेयक मुख्य प्रस्तुत संसद द्वारा किसी विधेयक के समाप्त होने की स्थिति में परीक्षण कीजिए।